आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप गए जंगलों में, तो पहली बार आपने क्या देखा? क्योंकि हमने तो जंगल सिर्फ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तक देखे हैं, और कोई दूसरे नेशनल पार्क होते हैं वहीं तक गए हम तो। मैं तो बचपन से ही जंगल और पहाड़ देख रहा हूँ। मेरी एक्चुअली मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मैं ऐसे एक फैमिली में गया, पैदा हुआ, जिसमें मेरे फादर ऑलरेडी बहुत आउटडोर गाइड के पर्सन थे, तो हम बचपन से ही जंगलों में घूम रहे हैं। तो मेरे को ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई नई जगह नहीं थी मेरे लिए, पर और उसके पहले मैं NDA में भी हम सबको ट्रेनिंग में ये सारा काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, IMA में सिखाया जाता है, उसके बाद जब स्पेशल फोर्स में गए बस उसका लेवल अलग होता है, उसकी जो टफनेस कोशेंट हो गई, उसके अंदर जो स्किल सेट्स की जो लेवल आपको सीखनी पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, तो उसका बस लेवल अलग है। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, एंड क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली, बिकॉज मैं कभी ऐसे मेरे को कभी फेल होने का डर नहीं था। नहीं तो आदमी डर की वजह से डर जाता है और बैड एक्सपीरियंस लेता है, तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं था कि मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें सोचने का ना मैं सोचता था, ना इतना चल रहा होता है उस टाइम पे कि ये सब चीज़ सोचने का टाइम ही नहीं होता है वैसे भी। तो सिंस मैं ऐसे खुला गया था, एक्सेप्टिंग एक तरीके से गया था कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, बस मेरा काम है वहाँ जाके जो करना, जो मेरा दिल जिस दिशा में मुझे ले जाना चाह रहा है उस दिशा में मैं जाऊँ, बाकी जो दिखेगा, जो होगा, जैसा मिलेगा वैसा होगा। तो बिकॉज मेरे में एक्सेप्टेंस थी, तो मेरे लिए वो जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। मतलब जंगल में जंगली जानवरों से भी मुलाकात हुई होगी आपके कई सारे? ये होता रहता है, क्या बोलते हैं, लेपर्ड्स मिले हैं, भालू मिले हैं, तो ऐसे से तो होता रहता है। आमने सामने कैसे आपने फिर डील किया उनसे? कैसे डील किया, तो जैसे जो लेपर्ड था वो मेरे को पहले घुप अंधेरा था, हम किसी पहाड़ पे बैठे हुए थे, मैं रात को मैं क्या बोलते हैं अपने अपनी जगह पे बैठा हुआ था जंगल के बीच में, तो थोड़ी देर में मेरे को करीब सवेरे 1:30-2 बज रहे होंगे, तो मेरे बगल में मेरे को ऐसे आवाज़ आई, तो मैंने नाइट विजन गॉगल से ऑन करके देखा, तो मेरे बगल में जिस ऐसे लेपर्ड बैठा हुआ था, मैं जिस दिशा में देख रहा था वो भी उसी दिशा में देख रहा था, तो कितनी देर से बैठा था मुझे पता नहीं, पर 5-10 मिनट तो हो ही गए होंगे। और फिर वो उसको मेरे से कोई नहीं थी, मतलब कोई ऐसा कोई वो नहीं था, वो बहुत शांति से बैठा हुआ था मेरे बगल में, और मैं भी शांत बैठा हुआ था, वो भी शांत बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने उसको देखा तो डर तो लगा ही, कि डर इन द सेंस कि अटैक कर सकता है, तो बस मेरा हथियार जो आगे की तरफ पॉइंटेड था, मैंने अपना हथियार उसकी तरफ घुमा दिया और ट्रिगर पे उंगली रख के बैठा रहा और उसको देखता रहा। थोड़ी देर में वो खड़ा हुआ, स्ट्रेच किया और निकल गया, तो मैंने वापस उस तरफ घुमा दिया हथियार का।